प्रणाम मरिया प्रार्थना की व्याख्या। हम पिछले कुछ दिनों से प्रणाम मरिया प्रार्थना के बारे में मनन करते आ रहे हैं। आज के मनन चिंतन में हम प्रणाम मरिया प्रार्थना को उस समय को संदर्भ में रखकर और आज के संदर्भ में भी हम इस प्रार्थना को समझने की कोशिश करेंगे। स्वर्गदूत गैब्रियल के यहां पृथ्वी में आकर नाजरेत की उस मरियम के पास जाकर इस अभिवादन करने के पहले तक या उस समय भी दुनिया अंधकार में पड़ा हुआ था, ईश्वर से दुश्मनी बनी हुई थी। हम भूखे प्यास से पड़े थे। मैं शारीरिक भूख प्यास का नहीं कह रहा हूं, बल्कि ईश्वर के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए, ईश्वर से कोई भी संदेश नहीं आ रहा था। ईश्वर और मनुष्यों के बीच का जो कनेक्शन था वो पूर्ण रूप से कट गया था। उस संदर्भ में स्वर्गदूत गैब्रियल नासरत की मरियम के पास आए। आज भी परिस्थिति बहुत ज्यादा बदला नहीं है, हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आदि पाप का जो फल हमारे बपतिस्मा संस्कार के बाद में भी उसका जो इफेक्ट है वो हमारे जीवन से नहीं जाता। इफेक्ट मतलब जैसे एक घाव हुआ हमारे शरीर में, कहीं कट गया, मान लीजिए आप एक चाकू से अपने हाथ को पूरा काट दिए और ऑपरेशन करा के वो पूरा ठीक ठाक हो गया, फिर भी उसका निशान रहता है। उसी प्रकार आदि पाप से छुटकारा पाने के बाद में भी उसकी जो स्थिति है, वास्तव में स्थिति मतलब उसका जो इफेक्ट था, वो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे व्यक्ति में वो रहता है, वो हमें डिस्टर्ब करता रहेगा। इस परिस्थिति में हम प्रणाम मरिया प्रार्थना का महत्व और उन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। हम मनुष्य पापी हैं, जैसे वचन में भी हम पढ़ते हैं, यदि कोई कहता है कि वो पापी नहीं है तो वो झूठा है। हम हर कोई पाप करते, हम पाप की स्थिति में जब पड़े रहते हैं, हमें मां मरियम का नाम लेकर हमें विनती करने के लिए, पुकारने के लिए कहा जा रहा है, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण मां, तू पाप की स्थिति से बच गई, ईश्वर तुझे पहले से ही तुम्हें बचा लिए, मां मैं पाप में पड़ा हुआ हूं, मैं तेरी संतान हूं, मुझे बचा, ये उसका अर्थ है। और जब हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में अंधकार है, हमें पता नहीं कि किस मोड़ लेकर हमें बाहर निकलने की जरूरत है, जैसे होता है हम वास्तविक रूप में भी, उस परिस्थिति में भी हम मां मरियम का नाम लेकर पुकारना है, प्रणाम मरिया, ये तुम ज्योति में रह रही है, मां तुम ज्योति से भरी हुई है, मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूं, जस्ट ऑपोजिट। उस समय जब हम मां मरियम से मांग करते हैं, वो अपनी ज्योति से थोड़ा सा कम से कम हमें देती। यदि हम स्वर्ग के राह से हम भटक गए, हम रास्ता खो गए हैं, हम गलत रास्ते से जा रहे हैं और हम नरक की ओर जा रहे हैं, हम रुक कर प्रणाम मरिया प्रार्थना करें, इसका मतलब उस क्षण में हम मां मरियम की ओर हम मदद मांगते हुए चिल्लाते हैं, मां मेरी मदद कर, क्योंकि मां मरियम वो भोर का तारा है। समुद्र में यात्रा करने वाले पहले समय में, अभी की नहीं, पहले जमाने में तारे को देखकर लोग यात्रा करते थे, इसलिए मां मरियम को भोर का तारा कहा जाता है। ये हमें रास्ता दिखाएगी, स्वर्ग की वो रास्ता आपको चाहिए, दिखना है, स्वर्ग जाना है, हमें मां मरियम की ओर देखने की जरूरत है, उनसे गिड़गिड़ा कर हमें मांग करने की जरूरत है। और क्या हम दुख में पड़े हुए हैं? अब मां मरियम के जीवन को देखिए, मां मरियम पूर्ण रूप से शुरू से लेकर अंत तक दुख सहती रही, लेकिन उनको मालूम था ये दुख क्षणिक है, कुछ ही दिन का है, लेकिन इसके बाद ये दुख ईश्वरीय आनंद में बदल गया, अभी वो स्वर्ग में आनंद में रहती है। तो जब हम मां मरियम का नाम लेकर हम विनती करते हैं, उनके अभिवादन करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, वो हमें भी सिखाती हैं, हमें भी अनुग्रह देती हैं कि हम भी उनके समान इस दुनिया में दुख सहते हुए अपना क्रिस्तीय जीवन जिए, ताकि हम उस आनंद सुख में, उस आनंद में, ईश्वरीय आनंद में हम भी प्रवेश करने पाए। क्या हम ईश्वरीय कृपा से हम वंचित रह गए हमारे पापों के कारण, फिर भी हम मां का नाम लेकर पुकारें, मां तू कृपा से पूर्ण है, ईश्वरीय कृपा से पूर्ण है, मां मुझ भिखारी को थोड़ा सा ईश्वरीय कृपा दे दे। एक प्रश्न उठ सकता है, क्या मां मरियम हमें कृपा दे सकती है? जी हां, दे सकती है, उसके स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि उसके भंडार के रूप में। ईश्वर सारी कृपा मां मरियम के हाथ में दे दिए, कैसे? क्योंकि ईश्वर, ईश्वरीय कृपा यानी प्रभु येसु क्रिस्त मां मरियम के गर्भ में आ गए और वो पूर्ण रूप से उनको अधिकार दिए हैं,
तो मां मरियम हमें ईश्वरीय कृपा दे सकती हैं। और क्या हम अकेलापन का अनुभव करते हैं? भीड़ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी हम चर्च जाते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम ईश्वर से दूर हैं, हम अलग हो गए हैं। तब भी हमें मां मरियम से प्रार्थना करना है, हमें कहना है प्रभु आपके साथ है, मां प्रभु आपके साथ है। जब प्रभु येसु अपने शिष्यों से कहे मैं तुम्हारे साथ हूं, वास्तव में हम अनुभव करते हैं, हमें लगता है कि ईश्वर हमारे बाहर रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। उसके बारे में हम अभी नहीं मनन करेंगे, लेकिन जब हम मां मरियम के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रभु आपके साथ है, ईश्वर उनके बाहर खड़े होकर उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईश्वर उनके शरीर के शरीर बनकर उनके साथ एक होकर उनके गर्भ में प्रभु आपके साथ है। और इतना ही नहीं, त्रिएक ईश्वर उनके शरीर में निवास करते हैं, वो ईश्वर का मंदिर है, वो हम हर एक के लिए वचन में कहा गया है। लेकिन उसकी मात्रा सबसे ज्यादा परिपूर्ण रूप से मां मरियम के जीवन में ये पूर्ण होती। क्या हमें लगता है कि हमारे जीवन में हम ईश्वर के श्राप का अनुभव कर रहे हैं, ईश्वर के दंड का अनुभव कर रहे हैं? तो हमें कहना चाहिए धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तू स्त्रियों में, मां तू धन्य है, मेरे लिए विनती कर, मेरी मदद कर, मुझे भी पवित्रता प्रदान कर, मुझे भी ईश्वरीय अनुग्रह प्रदान कर। हम मां मरियम से मांग करते हैं और मां मरियम हमें आशीष देगी। और क्या हम भूखे प्यासे हैं? इस दुनियाई भोजन के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए भूखे प्यासे हैं, हमें मां मरियम के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी प्रभु येसु क्रिस्त उस मां मरियम के गर्भ में आए, उनके शरीर को लेकर इस दुनिया में निवास करने आए। या और किसी का शरीर नहीं है, मां मरियम का शरीर है, जो शरीर लेकर प्रभु येसु इस दुनिया में जन्म लिए, अपना कार्य किए, दुख भोगे, मरे, दफनाए गए, पुनर्जीवित हुए, अभी स्वर्ग में है। वो शरीर किसका शरीर है? मां मरियम का शरीर है। तो स्वर्ग से उतरी वो जीवंत रोटी हमें मां मरियम दे सकती है। जैसे प्रभु येसु ने कहा यह मेरा शरीर है, इसे ले लो और खाओ। और कौन कह सकता है उन शब्दों को? केवल मां मरियम कह सकती है। मां मरियम भी कह सकती है, यह मेरा शरीर है, इसे लो बेटा, इसको लो बेटी, खाओ, तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो, मेरे पुत्र के लहू को पियो। जैसे मैं उस परिपूर्णता का अनुभव कर रही हूं, तुम भी करो। मां हमें खिला पिलाती है ये दुनियाई भोजन से केवल नहीं, बल्कि ईश्वरीय रोटी से। इसलिए जब कभी हम कहते हैं धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु, गर्भ का फल वही है स्वर्ग से उतरी जीवन रोटी। और हम समाप्त करते हैं ईश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, मां हम पापी हैं, हमारे लिए प्रार्थना करना, तुम्हारे पास ईश्वर है, मां तुम ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण है, तुम हमेशा उस स्थिति में, कृपा की स्थिति में रहती है, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती है, मां मेरे लिए प्रार्थना कर, मां पापी हूं, अब केवल नहीं मेरे मरण के समय भी प्रार्थना करते रहना, मतलब नित्य निरंतर मेरे लिए मां प्रार्थना करते रहना। तो अगली बार या आज से भी जैसे हम मनन चिंतन करते आ रहे हैं, हम जब प्रणाम या प्रार्थना को कहते हैं या बोलते हैं, हम हृदय से कहें, इन मतलबों को समझकर हम जो स्थिति में हम हैं उसको समझकर हम इस प्रार्थना को करें और मां मरियम की संरक्षण का अनुभव अपने जीवन में करते रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आशीष दीना मां मरिया, आशीष दीना ओ मां मरिया, आशीष दीना ओ मां मरिया, आशीष दीना ओ मां मरिया, तेरे हवाले सारी राह है, आशीष दीना ओ मां मरिया, आशीष दीना ओ मां मरिया, आशीष दीना ओ मां मरिया।
रखना जाना निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर रखना ज्ञान मां निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर सांझ सवेरे तुझको पुकारे, सांझ सवेरे तुझको पुकारे, जीवन सारा तुझ पर वारे, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता, सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता, शरण तिहारी आए हैं माँ, शरण तिहारी आए हैं माँ, दान दिलाना राह दिखाना, आशीष देना ओ माँ मरिया, 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 तेरी गवाए सारी राहें, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया।